कमल हासन की फिल्म के सेट पर हादसा, असिस्टेंट डायरेक्टर समेत तीन की मौत। सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म के सेट पर भयानक हादसा हुआ है। चेन्नई के ईवीपी स्टूडियो में क्रेन के क्रैश हो जाने के चलते तीन लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक क्रेन के क्रैश हो जाने के चलते तीन लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 10 लोग घायल भी हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कमल हासन अस्पताल पहुंचकर लोगों का हालचाल ले रहे हैं। वे उस समय लोकेशन पर मौजूद थे जब ये दर्दनाक हादसा हुआ। मरने वाले लोगों के नाम मधु और चंद्रन है। मधु 29 साल के थे, वही चंद्रन की उम्र 60 साल है। इसके अलावा एक असिस्टेंट डायरेक्टर कृष्णा की भी इस हादसे में जान चली गई है। कृष्णा सिर्फ 34 साल के थे। जब यह हादसा हुआ उस समय फिल्म इंडियन 2 की शूटिंग ईवीपी एस्टेट स्पॉट पर चल रही थी। सोर्स के अनुसार ये हादसा 19 फरवरी रात करीब 9:30 बजे हुआ था। बता दें कि इस फिल्म को एस शंकर डायरेक्ट कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ था। इस फिल्म के पोस्टर में कमल एक बुजुर्ग किरदार में नजर आए थे। ये फिल्म 1996 में कमल हासन की मूवी इंडियन का सीक्वल है। फिल्म को लाइका के बैनर तले बनाया जा रहा है। इसमें सिद्धार्थ और काजल अग्रवाल भी अहम भूमिका में है। गौरतलब है कि ये फिल्म कमल हासन की आखिरी फिल्म हो सकती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो एक्टिंग छोड़ रहे हैं। ऐसा वो पॉलिटिक्स के चलते कर रहे हैं। वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते और अब सिर्फ पॉलिटिक्स पर फोकस करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया। इसी कारण क्यास लग रहे हैं कि ये कमल हासन की आखिरी फिल्म हो सकती है।